What do we mean by fiscal deficit? Total expenditure minus revenue receipts, capital receipts, except borrowing, minus interest payments. अगर मैं fiscal deficit जो आया, fiscal deficit मुझे बता रहा था कि मुझे borrowing करने की कितनी जरूरत है। मैं एक बारी फिर से आपको याद दिलाता हूँ वो उदाहरण जो मैंने fiscal deficit के time पर, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है 5,000 और टोटल रिसीट है 7,000, तो मैं तो डेफिसिट में हूं ही नहीं क्योंकि 7,000 मैं रिसीव कर रहा हूं और 5,000 खर्च कर रहा हूं। मगर पता चलता है कि इसमें से 3,000 तो बोरोइंग, यानी एक्चुअल में मेरी 4,000 की रिसीट है और 5,000 का खर्चा है, सो आई एम इनटू नेगेटिव ऑफ 1,000। ये 1,000 मुझे बताता है कि मुझे कितनी बोरोइंग की जरूरत है ना। मेरा रिसीट है 4,000, 5,000 का खर्चा है, तो 1,000 का मुझे नेगेटिव बताता है कि सरकार को कितनी बोरोइंग की जरूरत है, क्योंकि सरकार के पास जो अपने सोर्सेस थे रिसीट्स के वो तो सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। वो सारे एग्जॉस्ट होने के बाद सरकार केवल 4,000 रुपए इकट्ठे कर पाई है जबकि खर्चे 5,000 रुपए, तो सरकार को बाकी के लिए और कोई साधन नहीं बचता है, सरकार को बोरो करना पड़ेगा, तो वो तो फिस्कल डेफिसिट है। अब फिस्कल डेफिसिट से और आगे जाते हैं कि अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट भी माइनस कर दें, तो क्योंकि अभी देखिए एक होता है बोरोइंग और एक होता है इंटरेस्ट। जब जब आप बोरो करेंगे आपको इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा, जितना बोरो करेंगे उतना उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और नॉर्मली क्या होता है इन नॉर्मल लाइफ, व्हाट हैपेंस इज योर इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपेल यू टू बोरो मोर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लेट्स से आपने किसी से 10,00,000 रुपए का उधार लिया, ऑलराइट, नाउ 10,00,000 पे ही इज आस्किंग यू 2% एवरी मंथ एज इंटरेस्ट। आई एम टेलिंग यू अ रियल लाइफ स्टोरी। That means 20,000 every month you have to pay as interest on 10,00,000 rupees. On 10,00,000 rupees you have to pay 20,000 every month. Now, if you have to pay 20,000 every month, that means it comes out to be 2,40,000 for a year. He is not asking you the main amount to be refunded. He says the main amount is with you for 5 years. Keep it with you. आप ये 10,00,000 रुपए 5 साल के लिए अपने पास रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हर महीने मुझे 20,000 रुपए देते रहे, 1 साल के 2,40,000 देते रहे, 5 साल के बाद मुझे 10,00,000 रुपए वापस दे दीजिए, यानी हर महीने आपको इंटरेस्ट देना है। Now, ये इंटरेस्ट जो है जो आपको हर महीने 20,000 देना है, इट फोर्सेस यू एट टाइम्स टू बोरो मोर। इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपको बोरो करना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? आपको रिफंड अभी मेन अमाउंट नहीं करना, मेन अमाउंट तो 5 साल बाद करना है, मगर हर महीने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी, तो इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपको फिर से बोरो करना पड़ता। तो जो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट बोरो करने के लिए कंपेल कर रही है, दैट इज नथिंग बट द प्राइमरी डेफिसिट, द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस डेट। पिछले डेट्स पर जो इंटरेस्ट है वो भी आपको पे करने के लिए बोरो करना पड़ता है। एंड प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स व्हाट? The extent to which such interest payments have compelled the government to borrow. Government को इन interest की वजह से कितना और borrow करना पड़ा है? To what extent these interest payments have compelled the government to borrow more? That is primary deficit. क्या है वो?
primary deficit. So primary deficit compels you to borrow more because आप जो है primary deficit compel कर रहा है आपको, क्योंकि interest आपको compel कर रहा है और borrow करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है उसको देने के लिए भी. तो primary deficit basically tells you कि कितना interest की वजह से आपको borrowing करनी पड़ रही है. दूसरे शब्दों में primary deficit tells you the interest का burden है. Are you getting my point? अब इसकी implication भी देखिए आपको. Implication would be like this. This deficit indicates that the interest commitments on previous borrowings have forced the government to borrow. कि पुराने जो उधार लिए हुए हैं उनके ऊपर जो interest देना पड़ रहा है उसकी वजह से borrowing करनी पड़ रही है. It indicates how much of government borrowings are going to meet expenses other than interest. अगर आपको total borrowing इस case में for example इसको टोटल बोरोइंग करनी पड़ रही है लेट्स से 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए में से 20,000 रुपए तो इसको इंटरेस्ट ही देना है. तो प्राइमरी डेफिसिट टेल्स यू कि बाकी खर्चों के लिए कितना बोरो करना पड़ रहा है सरकार को और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितना बोरो कर रहा है. तो प्राइमरीली आपको अपने पुराने उधारों पर इंटरेस्ट जो पे करना है उसके लिए कितनी बोरोइंग करनी पड़ रही है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय प्राइमरी डेफिसिट. Are you getting my point or not getting my point? एक इसके आगे एक related question लिखेंगे. अभी ये topic खत्म नहीं होगा, मैं इसके कुछ numericals भी आपको कराऊंगा. Just write down some related questions to this one. First of all, differentiate between primary deficit and fiscal deficit. वैसे deficit क्या होता है, मतलब है? कमी, कमी होना, that is called deficit. प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट का डिफरेंस बेसिस में फर्स्ट वन इज मीनिंग. मीनिंग में प्राइमरी डेफिसिट इट शोज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट and interest payment. Fiscal deficit, it shows the excess of total expenditure over total receipts excluding borrowings. ये तो meaning हो गया, that we already know. Number two, indicator. It indicates the total borrowing requirements of government excluding interest. It indicates the total borrowing requirements of government
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। थर्ड फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल receipts excluding borrowings. Yes sir. यहां ध्यान दीजिए, रिवेन्यू डेफिसिट तो हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट्स का डिफरेंस सिंपल है। टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स का डिफरेंस है फिस्कल डेफिसिट, मगर उसमें बोरोइंग नहीं आएंगे। टोटल एक्सपेंडिचर में बेटा दो एक्सपेंडिचर होते हैं, आप ध्यान रखेंगे अगर अलग अलग दिए हो क्वेश्चन में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी अगर आपको क्वेश्चन में ये दोनों अलग अलग दिए हैं तो दोनों को प्लस कर लीजिएगा तब यहाँ पर पुट करिए। अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया है एंड यू आर गिवन विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सपेंडिचर, तो आप सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप दोनों को एड करेंगे just to calculate total expenditure. Similarly, total receipts is revenue receipts plus capital receipts. मगर capital receipts में क्या नहीं include करना, excluding borrowing. तो अगर आपके पास revenue receipts और capital receipts अलग अलग दी हैं, तो what you have to do is you have to sum them up, you have to add them up to calculate total receipts. आप अपनी total receipts कैसे निकालेंगे? Revenue receipts और capital receipts को जोड़कर, add करके, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास total receipts आएंगे. Is that okay? Got it or not? बताएं मुझे. तो fiscal deficit total expenditure minus सबसे ज्यादा आपको जो दिक्कत आने वाली है वो इसमें आने वाली है. इसके लिए एक नोट और भी है, अगर आपको फिस्कल डेफिसिट नहीं दिया लेकिन बोरोइंग दी हुई है क्वेश्चन, तो बोरोइंग ही फिस्कल डेफिसिट है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमें यही बताता है कि हमें बोरोइंग कितनी करनी पड़ेगी. फिस्कल डेफिसिट ही हमें बताता है कि सरकार को बोरोइंग कितनी करनी पड़ेगी. सो दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट ओनली. इफ टोटल बोरोइंग्स आर गिवन, दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट. सो फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट द टोटल. सो इफ टोटल बोरोइंग्स आर गिवन, दैट्स योर फिस्कल डेफिसिट, नथिंग टू वरी. प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट निकाल लिया, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर. गॉट इट और नॉट गॉट इट? यस सर. एक क्वेश्चन, यस सर, लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दिस. शाबाश. If government revenue deficit is 35 crores and revenue receipts are 70 crores and capital expenditure is 120 crores, how much is revenue expenditure? देखिए बेटा एक बारी आंसर जरा समझे. पहले तो रिवेन्यू रिसीट कितनी है? रिवेन्यू रिसीट 70 crores. पहले तो आप अपने आप को सिंप्लीफाई कर लें क्वेश्चन में से. आप ये देख लीजिए, what are you given with? आपको दिया है एक तो रिवेन्यू डेफिसिट, कितना दिया है 35. रिवेन्यू डेफिसिट होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट. आपके पास रिवेन्यू रिसीट्स क्वेश्चन में दी हुई हैं, दैट इज 70, और आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 120. सो हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना है,
मेरे को लगता है मेरे पास समझना बेटा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस, रेवेन्यू रिसीट दिया हुआ है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली आंसर. सो आंसर सिंपल सा होगा आर डी इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. आर डी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर. आर डी दिया हुआ है 35, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे पास नहीं है मगर मेरे पास रेवेन्यू रिसीट दी हुई है कितनी 70. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 35 प्लस 70 इट इज 105. इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? यस सर. क्लियर है बच्चे ये? एवरीवन क्लियर अबाउट इट? वंडरफुल. यस सर. एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चे हम अभी. विल डू टू थ्री क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड दीज डेफिसिट्स बेटर. और तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नहीं करा ना, मतलब यूज नहीं था उसका. अच्छा, इसने नहीं करा. देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है. इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं सरकार की. द इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इज गिवन एज 1,40,000. टोटल बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट वो भी दी हुई है बेटा. टोटल बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट है 2,70,000. ऑलराइट, उसने पूछा है प्राइमरी डेफिसिट. बेटा समझना जरा, लेट्स अंडरस्टैंड द आंसर. इट्स वेरी वेरी सिंपल, देखने में मुश्किल लग सकता है मगर बहुत आसान है. आप पहले अपने आप को क्लियर कर लो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है. फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. क्यों बेटा? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला भी आपने लिखा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. बेटा मुझे इंटरेस्ट पेमेंट तो क्वेश्चन में दी है मगर फिस्कल डेफिसिट नहीं दिया. अब नहीं दिया तो सर ने एक नोट बताया था, उस नोट पे ध्यान देंगे कि अगर रिसीट्स और टोटल बोरोइंग्स दी हुई हैं और फिस्कल डेफिसिट के बारे में नहीं बताया तो टोटल बोरोइंग्स ही हमारी फिस्कल डेफिसिट हैं. तो यहाँ पर बोरोइंग्स दी हुई हैं तो हमें फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है 2,70,000. उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट 1,40,000 माइनस करता हूँ तो आई गेट पी डी एज 1,30,000. इज दैट ओके? द लॉजिक बिहाइंड इज के जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो हमें यही बताता है कि हमें इंटरेस्ट कितनी बोरोइंग करनी पड़ेगी. तो अगर बोरोइंग ही दे दी है तो वो फिस्कल डेफिसिट ही है. सो नथिंग टू वरी. क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लग सकता है लेकिन जिस बच्चे ने थॉरली पढ़ा है उसको अब प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में. इज दैट ओके? यस सर. यस सर. इज दैट कॉपीड? कैन आई मूव ऑन? यस सर. Yes, sir. Chali. Let's do few more questions on this to understand it deeply. Ye aapko deficit pe question aayega beta, dhyan rakhna. They are going to ask you questions on deficit. I give you a question for yourself. Bahut simple question de raha hoon. PD diya hai 12,000 crores. PD mane primary deficit. Interest payment diya hua hai 7,000 crore. ठीक है, आपको क्या निकालना है? फिस्कल डेफिसिट. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज फिस्कल डेफिसिट. इज दैट ओके? गो अहेड एंड फाइंड आउट. इट्स वेरी वेरी सिंपल. शाबाश, जल्दी से, बहुत अच्छे. सो 19,000. करेक्ट 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 बेटा. पी डी इज वॉट? पी डी इज इक्वल टू, अगर मैं इसका आंसर करता हूँ, पी डी इज इक्वल टू एफ डी माइनस इंटरेस्ट. ऑल राइट, सो पी डी इज 12,000, एफ डी आई डोंट नो बट इंटरेस्ट इज 7,000. सो एफ डी इज इक्वल टू 12 + 7 = 19,000. वंडरफुल. नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज लिटिल ट्रिकी. आई एम गोइंग टू गिव यू. Now, interest payments of government is 10,000 crores, which is 40% of primary deficit. Calculate fiscal deficit. I give time to you for
3 minutes to solve this. Let's see how many of you can do it. कितने लोग try करेंगे? जो लोग try करेंगे बताएं. तो इसको एक बारी समझ लेते हैं बेटा. How do we do it? मेरे पास उसने बोला interest is equal to 10,000. All right. And interest is equal to 40% of primary deficit, which is 40% of primary deficit. Now, what do I do? 10,000 interest ki value put karta hun is equal to 40 upon 100 into primary deficit. I do what? Primary deficit is equal to 10,000 into 100 upon 40. It comes out to be 25,000. What is this primary deficit? What is this primary deficit? Now, but what does he need? He needs fiscal deficit. All right. So fiscal deficit kaise nikalte hain beta? Ab primary deficit ka formula lagate hain. That is fiscal deficit minus interest payment. Now primary deficit 25,000 is just calculated. FD you don't know, but interest is 10,000. So that way FD is equal to 35,000 crores. Is that clear to everyone? Is that clear? Yes, sir.